हाय गाइस, तो पिछले कुछ दिनों से मैं जितनी भी साइट विजिट पे जा रहा हूँ या ऑनलाइन अगर साइट को किसी को सुपरवाइज करवा रहा हूँ या फिर मेरे पास कोई कंसल्टेशन के लिए अगर कॉल आ रहा है, तो उसमें मैं ज़्यादातर जो सीपेज के रिलेटेड इशू होते हैं वो मैं ये देख पा रहा हूँ कि उसमें अगर चाहे तो वो वाटर प्रूफिंग नया हो रहा है या पुराना है या कोई रिपेयर कर रहा है, आधे से ज़्यादा लोगों को ये पता ही नहीं है कि कौन सा केमिकल किस चीज़ के लिए यूज़ होना है। जो मोर्टार में मतलब जो मसाले में केमिकल मिलाना है उससे वाटर प्रूफिंग चल रही है, जिसे वाटर प्रूफिंग होनी है उससे पेंट किया जा रहा है। मतलब कि एक जो होता है ना कि पूरी एक एजुकेशन सिस्टम नहीं है, जो मैं अपनी वीडियोस में बोलता रहता हूँ कि यार मतलब जो एक भेड़ चाल मतलब किसी ने अगर गलती शुरू करी तो हर कोई इसको रिपीट ही करने में लगा हुआ, अननेसेसरी किसी को पता ही नहीं है। तो आज की वीडियो के टॉपिक में आपको ये बताने वाला हूँ कि डॉक्टर फिक्सिट जो ब्रांड है उसके जो नंबर ऑफ केमिकल्स हैं, क्योंकि उसके भी इतने सारे केमिकल्स हैं, तो आज मैं आपको ये इतने सिंपल तरीके से बताने वाला हूँ कि कौन सा केमिकल कहाँ पे यूज़ करना है जिससे कि आपके घर की ड्यूरेबिलिटी बनी रहे, कभी भी सीपेज ना आए, उसका बेस्ट तरीका क्या होता है, उसकी कॉस्टिंग क्या आने वाली है, कहाँ पर लगाना है कहाँ पर नहीं लगाना है, उसकी अमाउंट कितनी है, 100 स्क्वायर फीट या 1000 स्क्वायर फीट में अगर उसको हम अप्लाई करने वाले हैं तो उसका एक्चुअल में खर्चा कितने आने वाला है, जो आप लोगों के मुझसे अक्सर सवाल होते हैं। और वीडियो के एंड तक देखना, क्योंकि लास्ट में मैं एक ऐसा केमिकल का नाम बताऊंगा कि अगर आपके घर में सीलन है और आप बिल्कुल तोड़ा फोड़ ही नहीं करना चाहते दीवारों के ऊपर, तो वो कौन सा केमिकल है जो सीधा आप वेट सरफेस के ऊपर डायरेक्टली लगा सकते हो और वाटरप्रूफिंग हो जाएगी और कोई तोड़ा फोड़ी नहीं करनी पड़ेगी। तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। और इसके पीछे वो ट्रिक कौन सी है जिसमें अगर आपका केमिकल का खर्चा 1000 आने वाला है तो उसको हम कम करके 400 या 500 पे कैसे ला सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल इंटर कोच पे, और मैं हूं आपका इंटर कोच एंड इंटर बिल्डिंग कंसल्टेंट मनीष सहरावत। और आज की वीडियो मैं एक होटल से बना रहा हूं, क्योंकि अक्सर लोग मुझसे बोलते हैं यार मनीष जी, जो आपने वो 5-स्टार होटल वाली जो वीडियो बनाई थी यार, वो दोबारा किसी होटल में जाके वीडियो बनाओ, तो आपके लिए मैं खर्चा करके यहां पे आया हूं। तो आप एक सब्सक्राइब का बटन और लाइक का बटन जरूर दबा देना यार, क्योंकि खर्चा तो हो ही गया है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डॉक्टर फिक्सिट के LW प्लस से। LW प्लस का सबसे बेसिक काम क्या होता है, ये किसी भी गैप को भर देता है, ये इसकी मेन प्रॉपर्टी होती है। इसको यूज किया कहां जाता है, इसको यूज किया जाता है कंक्रीट के अंदर और प्लास्टर के मोर्टार के अंदर। मतलब कि मान लो आपने कंक्रीटिंग कराया स्लैब में या कॉलम में या बीम में, कहीं भी कंक्रीटिंग कराया, तो उसमें जो छोटे-छोटे पोर होल्स रह जाते हैं उसको फिलअप कर देता है। दूसरा, अगर आपने प्लास्टर कराया है तो प्लास्टर के अंदर भी ये जो छोटे-छोटे पोर होल्स होते हैं जिससे कभी बारिश आए तो पानी पास ना हो, उन छेद को वो भर देता है। तीसरा, इसको कहाँ यूज़ नहीं करना है, इसको बेसिकली इट्स नॉट अ वाटर प्रूफिंग एजेंट। कई लोगों को मतलब मैंने 2000 कॉल्स उठाई हैं तो 1000 में तो ऐसा ही देखा है जिसमें इसको वाटर प्रूफिंग कंपाउंड की तरह इसको वाटर प्रूफिंग में यूज़ किया जा रहा है, जबकि ये वाटर प्रूफिंग एजेंट नहीं है, तो इसको वाटर प्रूफिंग में यूज़ नहीं करना है। सेकंड, इसे ब्रिकवर्क के मोर्टार में यूज़ नहीं करना है, जबकि डॉक्टर फिक्सिट कहता है कर सकते हो, बट मैं कहूँगा कि अगर पानी प्लास्टर के अंदर आ गया तो फिर ये ब्रिक्स पे इजीली एब्जॉर्ब हो जाएगा, तो उसमें मोर्टार में लगाने कोई फायदा नहीं है और ये पैसे वेस्ट करने वाली बात हो जाएगी। इसके फायदे क्या होते हैं, फायदे मैंने आपको बता दिए कि छेद भर देता है, पानी को पास होने से रोकता है, रेजिस्ट करता है। दूसरा, जो कंक्रीट के अंदर सरिया होता है उस सरिया को बचाता है। आपने कभी देखा होगा कि सरिया जब हम दीवार में से कॉलम में से कहीं से निकालते हैं तो गला हुआ मिलता है, तो ये क्या करता है, छोटे-छोटे पोर्स को भर देता है जिससे मॉइस्चर नहीं आता है और उस सरिये को नहीं गलने देता है। नेक्स्ट, इसका फायदा होता है कि कंक्रीट के अंदर क्रैक नहीं आने देता है। फॉर एग्जांपल, जैसे आपने देखा होगा ना पहाड़ों में लैंडस्लाइड होता है, वो किस लिए होता है कि जब उसमें पानी जम जाता है, जब टेम्परेचर डाउन होता है तो पानी जमेगा तो वहां पे क्रैक डेवलप करता है, सॉलिड फॉर्म में आ जाता है, जब गर्म टेम्परेचर डाउन होता है तो लिक्विड फॉर्म में, तो ये कंटिन्यू प्रोसेस से जो क्रैक हो जाता है, लैंडस्लाइड हो जाता है, इसी सेम चीज होता है कंक्रीट के अंदर। तो पोर्स को भर देगा तो फिर इसमें पानी नहीं आ पाएगा और मॉइस्चर नहीं बन पाएगा, इसीलिए ये इसको सेव रखता है। अब आप लोग कहेंगे यार मनीष एक चीज बताओ, अमाउंट वो तो ठीक है आपने 200 ml बताया, पर हम काउंट कैसे करें, हमें कैसे पता चलेगा कितना कॉन्क्रीट है क्या है? तो इसका सिंपल सा तरीका है, 1000 स्क्वायर फीट कारपेट एरिया के अंदर करीब 60-70 लीटर्स ऑफ LW प्लस लग जाता है। अब इजीली आपके एरिया में जो रेट है उससे आप कैलकुलेट कर सकते हो और आपको पता रहेगा कि कितना अमाउंट ऑफ LW प्लस लगने वाला है और इजीली आपको कोई चीट नहीं कर पाएगा। अब जो ट्रिक है कि जो कॉस्ट कटिंग कैसे करना होता है, कॉस्ट कटिंग ऐसे करना होता है कि इसको सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल एरियाज पे यूज करो, कि घर के अंदर जो है, अंदर पार्टीशन वॉल्स हैं उसके अंदर तो कहीं से कुछ आने नहीं वाला है, तो इसको एक्सटर्नल वॉल्स पे यूज करो, जो आपका प्लिंथ एरिया होता है उस पर यूज करो, जो टेरेस का एरिया है स्लैब का उसमें यूज करो, इससे आपकी थोड़ी कॉस्ट कटिंग हो जाएगी। तो ट्रिक कैसी लगी इसके लिए लाइक जरूर कर देना यार। सेकंड जो होता है वो होता है हमारा URP301, दैट्स राइट, ये एक्चुअल में बेसिक एक हमारा वाटर प्रूफिंग कंपाउंड है जो वाटर प्रूफिंग के लिए यूज होता है। अब इसको अपोजिट नहीं करना है, LW प्लस हमारा वाटर प्रूफिंग कंपाउंड नहीं है और URP301 हमारा वाटर प्रूफिंग कंपाउंड है। इसका क्या काम होता है कि जब पानी आएगा तो ये एक बैरियर की तरह काम करेगा और पानी को इससे पास नहीं होने देगा, ये इसकी बेसिक प्रॉपर्टी होती है। अब इसको यूज कहां करना होता है, ये बेसिकली होता है स्मॉल पोर्शन के लिए, मतलब कि बाथरूम का संकन हो गया या टॉयलेट का फ्लोर हो गया या किचन का फ्लोर हो गया या फिर आपका टेरेस है लेकिन छोटे एरिया 1000 स्क्वायर फीट के एरिया के अंदर तक के लिए ठीक है, लेकिन उससे ज्यादा बड़े एरिया पे फिर हमें फाइबर का नेट लगाना पड़ जाता है, वो इसलिए क्योंकि जब थर्मल कंडक्टिविटी
कंटिन्यूटी, मतलब गर्मियाँ ज़्यादा आती है और सर्दी आती है तो एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन चलता रहता है कॉन्क्रीट के अंदर, तो अगर ज़्यादा हो गया तो फिर क्या होता है ये क्रैक हो जाती है और वाटर प्रूफिंग हमारी ख़राब हो जाती है। तो बड़े एरिया के लिए नेट लगाए, बट मैं कहूँगा कि छोटे एरिया में भी यार नेट तो डाल ही दो, इससे फ़ायदा ही होगा, कोई नुकसान नहीं होगा। अब कहाँ यूज़ नहीं करना है, इसे किसी भी एग्जिस्टिंग फ्लोर पे यूज़ नहीं करना है, इसकी मेन स्ट्रेंथ आएगी कॉन्क्रीट के ऊपर या ब्रिकवर्क के ऊपर, इसे और प्लास्टर के ऊपर भी नहीं करना है, ये ध्यान रखना, क्योंकि मैंने देखा कि प्लास्टर के ऊपर ही चल जाता है। लेकिन डायरेक्ट URP 301 का कोट आप कर सकते हो, लेकिन वो कुछ टाइम तक के लिए ठीक है, उसके बाद वो सही नहीं रहेगा, उसकी एक लाइफ होती है। लेकिन अगर सीधा ब्रिकवर्क या कंक्रीट पे करोगे तो बहुत अच्छी स्ट्रेंथ देता है, बहुत अच्छी लाइफ भी देगा। इसको लगाना कैसे, सिंपल तरीका है, एक चीज़ का याद रखना है, कई जगह मैंने देखा है कि पानी भी मिला देते हैं, इसमें पानी नहीं मिलता है, इसमें नॉर्मल सीमेंट और सिर्फ URP 301 को मिक्स करके लगाना होता है, और कोई तरीका नहीं है, इसमें पानी कोई एडिशन नहीं करना है, सिंपल तरीका होता है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जो डॉक्टर फिक्सिट वालों की वीडियो है वहां से जाके इजीली देख सकते हो, काफी अच्छे प्रोफेशनल तरीके में उन्होंने समझाया है। इसके एक लीटर में करीब 20 से 22 स्क्वायर फीट का एरिया कवर हो जाता है दो कोट में, तो वो आप अपने आप कैलकुलेट कर सकते हो कि जितना एरिया वो कितना आपको स्क्वायर फीट लग जाएगा, तो इस अगेन आपको कोई चीट नहीं कर पाएगा। अब इसमें जो ट्रिक है, जो मैंने अपनी पिछली वीडियोस में बताया कि बाथरूम की एक्चुअल वाटरप्रूफिंग होती कैसे है, आई बटन में लिंक डाल दी, वहां से देखना जरूर कि वाटरप्रूफिंग होती कैसे है। अब इसमें जो ट्रिक है वो ट्रिक ये है कि आपके घर की जितनी भी आउटर दीवारें, दोबारा सुनो, जितनी भी आउटर दीवारें हैं उन पे ये वाटरप्रूफिंग फ्लोर से 6 इंच या 1 फुट हाइट तक करो, अंदर की तरफ से, बाहर से नहीं। बाहर मतलब अगर ये घर है तो इसकी चारों तरफ की जो बाहर बाहर की दीवारें हैं उसमें अंदर की तरफ से 1 फुट हाइट तक करना है। रीजन बीइंग इसलिए, कल को मॉइस्चर सीपेज आ गया तो सीपेज नीचे से ऊपर जो चढ़ेगी उससे क्या फ़ायदा होगा, आपका जो दीवार में पपड़ी बन जाती है स्कर्टिंग के ऊपर वो नहीं आएगी, वो प्रोटेक्टेड रहेगी और आपको पेंट नहीं कराना पड़ेगा, आपके पैसे इजीली बचे रहेंगे। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट आता है वो डॉक्टर फिक्सिट का आता है, पिडफिन 2K112 इसका कोड होता है। ये भी एक वाटरप्रूफिंग कंपाउंड है लेकिन थोड़ा सा एनहेंस वर्जन है। एनहेंस वर्जन कैसे है, URP 301 की जो डिसवेंटेज था वो ये था कि ज़्यादा बड़े एरिया पे इसमें जो जॉइंट्स हैं वो खुल सकते हैं, क्रैक हो सकते हैं, तो ये बेसिकली एक ऑलराउंडर है। ऑलराउंडर क्यों है वो अभी हम जान जाएंगे, क्योंकि इसमें इलास्टिसिटी होती है। जब भी इसमें थर्मल एक्सपेंशन या कॉन्ट्रेक्शन कॉन्क्रीट या ब्रिक्स में अगर आता है कहीं से भी, तो ये 2 से 3 mm तक अपने आप खिंच जाता है और वापस अपनी पोजीशन को रिगेन कर लेता है, जिससे कि जो वाटर प्रूफिंग है वो कभी क्रैक नहीं होती है। तो अगर आपके पास बजट है और आप इसको यूज कर सकते हैं तो मैं कहूंगा हर केस में इसी को यूज करना। अब इसे हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, इसे हम यूज कर सकते हैं कॉन्क्रीट सर्फेसिस पे, ब्रिकवर्क के सर्फेसिस पे, और एग्जिस्टिंग अगर कोई पुरानी स्लैब है उसके ऊपर भी इसे हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, इसका मेन बेनिफिट होता है। कहाँ यूज नहीं करना है, छोटे एरिया में से आप अवॉइड कर सकते हो, रीजन बीइंग की कॉस्ट ज्यादा ना आ जाए, इसलिए आप बड़े एरिया में जहाँ पे सीधा पानी का और वो सब थर्मल और ठंडी का जो आने वाला है इफेक्ट वो ना हो, और इसे बड़े एरिया पे यूज कर लो, छोटे में करो, अवॉइड करो, थोड़ी सी कॉस्ट कटिंग आपकी हो जाएगी। इसका जो सबसे बड़ा फायदा है वो ये है कि इसे कोई भी मेजर कर सकता है, इसमें किसी भी तरह का पानी या कोई भी अलग से मिक्सचर नहीं डालना होता है, कंपाउंड बना बनाया आता है, दोनों को मिक्स करना होता है और एक जब ये पेस्ट बन के रेडी हो जाएगा इसको इजीली सिंपली लगा देना है। अगेन इसकी मैंने लिंक डाल दिया है वीडियो में जाके, जो डॉक्टर फिक्सिट वालों ने बनाई हुई है, वहां से जाके इजीली आप इसको देख सकते हो कि इसको लगाने का प्रॉपर प्रोसीजर क्या होता है। अब जो इसमें ट्रिक है वो ये है कि इसको एक चीज का ध्यान रखना, जैसे ही कंपाउंड आपस में मिक्स हो जाए तो 30 से 40 मिनट के अंदर अंदर इसको अप्लाई कर देना है, ये नहीं कि आप उसको साइड में छोड़ दो, क्योंकि ये सॉलिड हो जाएगा और फिर उसके बाद ये लगना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो ये इसकी छोटी सी ट्रिक है, इसको आपको ध्यान रखना। इसकी जो कॉस्टिंग आ जाती है मटेरियल की, वो करीब करीब 20 रुपए पर स्क्वायर फीट के आसपास इसकी मटेरियल की कॉस्ट आ सकती है, तो इजीली आप इसको चेक कर सकते हो कि कितना मटेरियल आपके यहाँ लगने वाला है। तो अभी तक ये वो बेसिक केमिकल्स थे जो हम घरों के अंदर यूज करते हैं। अब अगर हमें थोड़ा सा हाई लेवल पे जाना है, अगर आप स्विमिंग पूल आप घर में बना रहे हो या कोई वाटर टैंक आप यहां बना रहे हो, उसमें अगर आपको जिसमें प्रेशर ज्यादा आने वाला है या वेट ज्यादा आने वाला है और वेट की वजह से वो जो वाटर प्रूफिंग क्रैक ना हो, उसके लिए ये दो टाइप के केमिकल बेसिकली आते हैं, जिसमें से एक है डॉक्टर फिक्सिट का रूफ सील फ्लेक्स 190 इसका कोड है, दूसरा डॉक्टर फिक्सिट का 113 फास्ट फ्लेक्स है। तो इसको मैं ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा क्योंकि ये घरों में यूज नहीं होता है, ये बेसिकली यूज वहीं करना है जहां लोड का प्रेशर बहुत ज्यादा है। और इसमें फायदा क्या होता है, एलोंगेशन बहुत ज्यादा हो सकती है, मतलब कि जो स्ट्रेचेबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेच हो सकता है। थर्मल एक्सपेंशन जो होती है उसको इजीली कंट्रोल कर लेता है, क्रैक ब्रिजिंग एबिलिटी होती है कि अगर हल्का सा भी क्रैक कहीं आ गया उसको वापस होल्ड करके अपने पास रखेगा। और सीपेज कैसे आती है, ऑनलाइन हम कैसे पता लगाते हैं कि सीपेज कहाँ से आ रही है, क्या आ रही है, सीपेज का पैटर्न क्या होता है, क्योंकि सीपेज खुद बता देती है यार हम कहाँ से आ रही है, तो उसका पैटर्न जानने के लिए वो कैसे होता है, सीपेज कैसे पता लगाते हैं, मैंने वीडियो डाला हुआ है, आई बटन में लिंक डाल दिया, वहां से जाके चेक कर सकते हो। अब गाइस कई लोग कहते हैं यार मनीष हमारा जो घर है वो बन चुका है, ऊपर फ्लोरिंग हो चुकी है यार, अब हम सीपेज भी आ रही है क्या करें, उसको तोड़ना नहीं चाहते, नहीं तो अभी कोविड का सीन वैसे चल रहा है और वो लेबर धूल मिट्टी सारी चीज वही दोबारा से स्टार्ट हो जाएगी, तो ऐसा कुछ बताओ कि यार बिना तोड़े फोड़े कैसे हम उसको वाटरप्रूफिंग कर सकते हैं।
तो इसमें क्या होता है, डॉक्टर फिक्सिट ने प्रोडक्ट निकाला है जिसको बोलते हैं डॉक्टर फिक्सिट न्यू कोट। इसमें क्या होता है बेसिकली कि आपके एग्जिस्टिंग सरफेस के ऊपर ही डायरेक्टली हो जाता है। तो इसको यूज कहां करना है, इसको हमें यूज करना है कोई भी एग्जिस्टिंग आरसीसी के सरफेस पे आप इसको कर सकते हो, अगर ब्रिक लगी हुई है उसके ऊपर डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, लेकिन क्रैक्स पूरे फिल करके ये डायरेक्टली उसके ऊपर लगाया जा सकता है। लेकिन कहां पे यूज नहीं करना है, कोई भी ब्रिक वर्क के सरफेस के ऊपर इसे नहीं लगाना है, ये इस चीज का ध्यान रखना। और इसमें जो दो मेन पॉइंट्स है ध्यान रखना है जिसमें अक्सर चीट हो जाता है, वो ये है कि इसके कम से कम 3 कोट लगते ही लगते हैं, वो भी फाइबर मैश के साथ। अगर फाइबर मैश नहीं लगा तो इजिली क्रैक हो जाएगी और वारंटी आपको नहीं मिल पाएगी। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, 3 कोट करने हैं विद फाइबर नेट के साथ। अब इससे फायदा क्या होता है इस ये, और ये बेसिकली 3 कलर्स में आता है जिसमें ग्रे, व्हाइट और टेराकोटा कलर आता है। ये इजीली आप करवा सकते हो, इस पे इजीली कोई भी चल सकता है, 2 mm तक के क्रैक को ये इजीली होल्ड कर सकता है, वापस स्ट्रेच होकर अपनी जगह को रिगेन कर सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसमें कोई भी ऑब्जेक्ट फेंको उससे कोई बहुत ज्यादा हैवी से दिक्कत आएगी, लेकिन वैसे कोई इसमें इशू हल्के फुल्के प्रोजेक्ट से नहीं आएगा। इसके मटेरियल की कॉस्ट सिंगल कोट के लिए करीब करीब 15 रुपए स्क्वायर फीट आ जाती है, तो अगर हमें 3 कोट मारने पड़ेंगे तो करीब करीब 45-50 रुपीज पर स्क्वायर फीट की इसकी कॉस्ट आ जाएगी। नेक्स्ट जो इसका थोड़ा सा एनहेंस वर्जन है वो है डॉक्टर फिक्सिट का न्यू कोट ईज। इसमें क्या होता है 2 ही कोट लगते हैं, अब ये बाकी प्रॉपर्टीज की सारी सेम है, बस ये थोड़ा सा एक और एडवांस क्वालिटी में आ जाता है और जहां पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा चले जाता है और फिर एकदम से ठंड पड़ जाती है जैसे कि राजस्थान एरिया पड़ता है, वहां पे इसको लगाओगे तो फायदा है, बाकी ऐसा इसको हर जगह लगाने की जरूरत नहीं है। अब कई क्लाइंट कहते हैं यार मनीष एक चीज बताओ कि हमें तोड़ा फोड़ी भी ना करने पड़े, सीपेज भी रुक जाए और टेम्परेचर जो है वो गर्मियों में बहुत ज्यादा हो जाता है यार, बहुत गर्म हो जाता है, इसको कैसे ठंडा कर सकते हैं। तो इसके लिए जो डॉक्टर फिक्सिट ने निकाला है प्रोडक्ट, इस प्रोडक्ट को पर्टिकुलरली मैंने अभी तक कहीं यूज किया नहीं है, अगर आपने यूज किया हो तो डेफिनेटली मुझे बताना। इस प्रोडक्ट का नाम है डॉक्टर फिक्सिट न्यू कोट कूल। अब इसमें कूल से अगर आपको समझ आ रहा होगा तो इसका भी काम सेम है, थोड़ा सा और एनहेंस क्वालिटी का ये बनाया गया है। इसमें जो मेन फायदा वो ये है कि ये 8 डिग्री टेम्परेचर, 5 से 8 डिग्री टेम्परेचर को कम कर देता है। आपके घर के अंदर अगर बाहर 40 डिग्री सेल्सियस है तो ये 34 से 37 तक टेम्परेचर को लाने का दम रखता है, बट मैंने यूज़ नहीं किया। अगर आपने किया तो डेफिनेटली कमेंट्स में ज़रूर बताना कि क्या सच में ऐसा होता है कि नहीं होता, और इसीलिए महंगा भी बहुत है। कंपनी का कहना है कि इसको करने का सही प्रोसीजर होता है 2 कोट न्यू कोट के होंगे और 2 कोट न्यू कोट कूल के होंगे, तो इस चीज को हमेशा ध्यान रखना, तभी जाके टेम्परेचर होगा कम। अगर डायरेक्टली ये करा लिया तो कंपनी भी इसकी वारंटी आपको नहीं देगी। अब जैसा मैंने आपको वीडियो की शुरुआत बताया था कि वो कौन सा ऐसा केमिकल है जो बेसिकली अगर आप कंक्रीट के या प्लास्टर के वेट सरफेस पे भी कर दोगे तो वो सीपेज को होल्ड करके रख लेगा और अंदर की तरफ नहीं आने देगा, तो वो है डॉक्टर फिक्सिट का डैम्प गार्ड। कई लोगों को लेके कन्फ्यूजन है कि सच में ऐसा कर सकते हैं नहीं कर सकते, नहीं डेफिनेटली आप कर सकते हो। ये नॉन टॉक्सिक होता है, इको फ्रेंडली भी होता है, और सबसे अच्छी चीज होती है इसकी वाटर बेस्ड है, मतलब कि ज्यादा टेक्निकल में नहीं जाते। वाटर बेस्ड का मतलब हो गया सीधा सीधा पीछे भी वाटर बेस्ड है, जो प्लास्टर या ब्रिक वो पानी से बना होगा और डेफिनेटली ये भी पानी वाला है, तो इजीली इसकी स्ट्रेंथ बन जाएगी, दोनों आपस में अच्छे से मजबूती से चिपक जाएंगे और सीपेज को नहीं आने देंगे। लेकिन इसकी एक लाइफ होती है क्योंकि हम सीपेज को एक हद तक कंट्रोल कर सकते हैं, बंद नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके यहां जो सीपेज है वो सीजनल है, जैसे कि बारिश आई, बारिश के साथ साथ जब सीपेज चली गई तो वहां पे थोड़ा थोड़ा व्हाइट कलर का फॉर्म सा आ जाता है, उस फॉर्म को रोकने के लिए आप ये इजीली डायरेक्टली कर सकते हो। लेकिन ये तभी कामयाब है जब पीछे आपका जो डैम्प सरफेस है वो सॉलिड होना चाहिए, लूज नहीं होना चाहिए। अगर आपका प्लास्टर लूज है और उसके ऊपर आपने इसको कर दिया तो प्लास्टर तो गिरेगा साथ में इसको भी लेके गिर जाएगा, तो मेक श्योर कि आपका बैक सरफेस सॉलिड हो। ऐसे डॉक्टर फिक्सिट के और भी बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं जैसे बिटफिक्स हो गया, क्रिस्टलाइन हो गया, तो उनका घरों में ऐसा खास जरूरत नहीं है। बेसिक जो प्रोडक्ट्स हैं जो घरों में अक्सर यूज होते हैं और होने भी चाहिए वो मैंने सारे इस वीडियो में कवर कर लिए, और नेक्स्ट वीडियो जो इस रूम में मैं बैठा हुआ हूं उसके ऊपर होने वाली कि इस रूम के अंदर क्या उसकी अमाउंट आएगी अगर हम सेम इंटीरियर डिजाइन इसको ऐसा करने वाले हैं, तो उसकी नेक्स्ट वीडियो आने वाली है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसी और भी अमेजिंग वीडियो को देखते रहिए। टिल देन गुड बाय।